हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र चावला आज फिर आपके सामने हूँ कुछ बातें शेयर करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे एक आइसबर्ग है। हम कह सकते हैं कि सक्सेस का एक आइसबर्ग होता है। और कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है और हम ये सोचते हैं कि इसने क्या किया, ये बाय डिफॉल्ट सक्सेस हो गया, या इसका लक अच्छा था, या इसके पास फैमिली से आई हुई कोई ऐसी विरासत थी। लेकिन सच बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल है। मैं आज आपसे ये शेयर नहीं करने जा रहा कि सक्सेस के प्रिंसिपल क्या हैं, बल्कि मैं आपसे यह शेयर करने जा रहा हूं कि जो व्यक्ति आपको सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है उसने ऐसे कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से वो सफल हुआ है। तो सफलता का जो आइसबर्ग है उसमें सबसे पहली बात आती है हार्डवर्क। यानी कि अगर आपको कोई व्यक्ति सफल दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे उसका हार्डवर्क है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्डवर्क। सक्सेसफुल पर्सन की जो दूसरी आदत होती है वो होती है परसिस्टेंस, यानी कि टिके रहना। जो भी व्यक्ति अपने एक काम को पकड़ता है और उसमें टिका रहता है वो जरूर सफल होता है। इसमें एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था और उसको ये पता लगा कि इस खान में सोना है, तो उसने अपने आदमी लगाए और लगाने के बाद वो उसमें सोना खोदने के लिए लग गए। एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, दो हफ्ते हुए, एक महीना हुआ और काफी टाइम बीत गया, लेकिन सोना नहीं निकला। आखिर में उसने उस खान को खुदवाना बंद कर दिया और बंद करने के बाद उस खान को बेच दिया। और जिस आदमी ने उसे खरीदा था उसको ये मालूम था कि इस खान में सोना है और सोने के लिए इसको खोदा गया, तो उसने दोबारा से खुदाई शुरुआत की और एक फुट की दूरी के बाद ही सोना मिल गया। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में टिका रहता है और लगा रहता है उसको बराबर करते हुए, और उसको ये पक्का पता है कि मेरा तरीका सही है और मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, तो वह सफल होता है। तीसरी जो खास बात यह है जो सक्सेसफुल व्यक्तियों में होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, वो होती है लेट नाइट्स काम करने की। लेट नाइट काम का मेरा मतलब यह है कि जो देर तक काम करते हैं वो सफल होते हैं। जो 10 से 5 काम करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जो 10 से 9 काम करते हैं वो ग्रोथ करते हैं। और जो 10 से 11 12 तक काम करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिन्होंने लेट नाइट काम किया है। और अगला मेरा पॉइंट है रिजेक्शंस। जो भी व्यक्ति आपको सक्सेसफुल नजर आ रहा है उसने कहीं ना कहीं रिजेक्शन जरूर देखे हैं और उन रिजेक्शन से घबराया नहीं है। अगर हम उदाहरण लें अमिताभ बच्चन जी का, उन्होंने भी रिजेक्शन देखे। इस तरीके से जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने शुरुआत में रिजेक्शंस देखे हैं। और अगला मेरा पॉइंट है सैक्रिफाइसेस। सफलता के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हमने हमेशा किया है तो हमें वही मिलेगा जो हमें हमेशा मिलता रहा है। अगर हम एक्स्ट्रा चाहते हैं, अगर हम कुछ अलग चाहते हैं, तो हमें लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे या अपनी लग्जरी में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखना होगा, उसी से सफलता मिलती है। अगला मेरा पॉइंट है डिसिप्लिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो सफलता मिलती है। अगर आपको कोई व्यक्ति नजर आ रहा है कि वह सक्सेसफुल है तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो डिसिप्लिन भी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सफलता संभव नहीं है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म। जब भी हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं है। हमें उस क्रिटिसिज्म को फीडबैक मानकर आगे बढ़ना है। और जो व्यक्ति आपको सक्सेसफुल नजर आ रहा है तो आप यकीन मानिए कि उसने ये क्रिटिसिज्म सहा है। तो जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म सह कर भी
आगे बढ़ता रहता है वह सफल होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डाउट्स। ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम एक काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो हमारे मन में एक डाउट आने लगता है कि ये काम होगा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस डाउट को हटा के एक फेथ रखें कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं, तो हम सफल हो सकते हैं। तो मेरा फिर यही कहना है कि जो व्यक्ति सफल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपने डाउट्स को क्लियर किया है और सारे डाउट्स को अलग हटा के वो बढ़ता रहा है, इस वजह से सक्सेसफुल है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर, असफलता। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये मानते हैं कि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, सफलता और असफलता दोनों अलग अलग कॉर्नर पर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, वहां से सफलता पर जाने के लिए असफलता से होकर गुजरना जरूरी है। और जिन लोगों ने बड़ी फेलियर्स देखी हैं, वही बड़ी सफलताओं में पहुंचे हैं। और ज्यादातर बड़ी असफलता के फौरन बाद ही सफलता आती है, इसलिए कभी भी बड़ी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरीके की फेलियर को सहकर और सफल हो सकें। तो मैं फिर कहूंगा कि जो व्यक्ति आपको सफल दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि उसने बड़ी असफलता भी देखी है। और मेरा लास्ट पॉइंट है रिस्क। रिस्क लेना, रिस्क किस तरीके का होता है? रिस्क कई तरीके के होते हैं, जिसमें एक रिस्क होता है फाइनेंशियली। कई लोगों ने फाइनेंशियली रिस्क भी लिए होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिस्क कई तरीके के होते हैं। रिस्क लोगों से बात करने का, रिस्क मूर्ख कहलाने का, रिस्क नुकसान पाने का, या रिस्क फेल होने का। लेकिन मैं इसको अपने शब्दों में ये कहता हूं कि रिस्क चांस लेने का। अगर हम चांस लेते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। तो मैं अपनी एक ही बात को दो तरीके से कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि सक्सेस के लिए 10 चीजें जरूरी हैं। हार्डवर्क करना जरूरी है, परसिस्टेंस जरूरी है, लेट नाइट काम करना जरूरी है, रिजेक्शंस झेलना जरूरी है, सेक्रीफाइसेस करने जरूरी हैं, डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है, क्रिटिसिज्म सहना जरूरी है, डाउट्स क्लियर करने जरूरी हैं, और फेलियर से होकर गुजरना जरूरी है, और रिस्क लेना जरूरी है। और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो व्यक्ति आपको सफल नजर आ रहा है, समझ लीजिए कि उसने हार्डवर्क किया है, वो टिका रहा है, परसिस्टेंस है उसके अंदर, उसने लेट नाइट्स काम किया है, उसने रिजेक्शन सहे हैं, उसने कई जगह पर सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसने अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखा है, उसने क्रिटिसिज्म सहा है, और उसने अपने डाउट्स को होते हुए भी आगे बढ़ा है, उसने बहुत बड़ी फेलियर्स देखी हैं, असफलताएं देखी हैं, और उसने रिस्क लिया है, इसलिए वह सफल है। और अगर कोई व्यक्ति ये 10 काम करता है तो वो जरूर सफल होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। सो आपकी अगली सफलता के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।